हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए और ऐसे कई सारे यहाँ पे कोर्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं, जिनमें आपका स्टॉक मार्केट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया, शॉर्ट टर्म कोर्स आ गए। इनके लिए दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है या जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। किस तरह से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, किस कोर्स के लिए कितना ड्यूरेशन है, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रोस्पेक्टस है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखने के लिए आपको आ जाना है श्यामलाल कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर में आप श्यामलाल कॉलेज लिखेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर आप एड ऑन कोर्स का एक लिंक शो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर दोस्तों आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताया गया है। 2020-21 सेशन है, 2016-17 सेशन है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो न्यू करके एक नोटिस रिलीज किया गया, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गाइडलाइंस फॉर एड ऑन कोर्स 2022 एंड 2023। इस सेशन के ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर सर्टिफिकेट कोर्स। अगर इनमें से आप जो कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, एडवांस डिप्लोमा कोर्स हो गया, तो उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों इसकी गाइडलाइंस को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये 4-5 पेजों का PDF है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों एड ऑन कोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय द सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट SLC फॉर द फॉलोइंग एड ऑन कोर्सेज फॉर द सेशन 2022 और 2023 सेशन के लिए। आपके जो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स है या कोई अगर अनदर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोर्स का पहले बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो पहला कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्स बताया गया है कि किन किन लैंग्वेजों में कराया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स दोस्तों आपका फॉरेन लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन हो गया, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, चाइनीज, कोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू दोस्तों ये सारे के सारे कोर्स कराए जाएंगे। 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, 150 आवर का, और यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी जिसमें आपका GST इंक्लूड रहेगा वो 15,000 रुपये रहेगी और 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स के लिए यहाँ पर बताया गया है कि किन किन लैंग्वेजों में डिप्लोमा कराया जाता है। जनरल स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, चाइनीज, कोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सारे के सारे कोर्स कराए जाएंगे। 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है दोस्तों और 16,000 इसकी एप्लीकेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, कोर्स की फीस है। और यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट इसके लिए जो इक्विवेलेंट जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसके लिए आपने जिस कोर्स में आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना जरूरी है या फिर इसको कोई इक्विवेलेंट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज होना आपके पास जरूरी है। इसी तरह अगर आप एडवांस डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताए गए हैं कि ये लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन दोस्तों 6 मंथ है लेकिन यहाँ पे 180 आवर्स बताया गया है। कोर्स की जो फीस है दोस्तों 17,000 रुपये है और यहाँ पे आपसे बताया गया कि एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स और इक्विवेलेंट इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, इसके लिए एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई इन्फॉर्मेशन या लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह 4th में आपका यहाँ पे देख सकते हैं मास्टरिंग द स्टॉक मार्केट BSE इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा 30 घंटे का दोस्तों इसका ड्यूरेशन है, 7,080 रुपये फीस है और 10+2 एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसी तरह फंडामेंटल कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग NIELIT जिसमें आपका 30 घंटे का ये ड्यूरेशन है, 3,511 रुपये इसकी कोर्स की फीस है और 10+2 इसमें पास मांगा गया है मैथ सब्जेक्ट के साथ। वहीं दोस्तों आपका जो 6th कोर्स है वह है फंडामेंटल कोर्स इन ऑफिस ऑटोमेशन NIELIT के द्वारा, इसमें आपका 30 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा और जो इसकी कोर्स फीस रहेगी 2,478 रुपये रहेगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है 10+2 मांगी गई है। 7th जो कोर्स रहेगा दोस्तों आपका फंडामेंटल कोर्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें आपका जो 30 घंटे का रहेगा ड्यूरेशन और 3,511 रुपये इसकी कोर्स की फीस है और 10+2 इसका एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई दोस्तों जो आपका श्यामलाल कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज हो गया, इसके अलावा जो अदर कोर्सेज हो गए उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहेगी वो 50
फीस रहेगी जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। और यहाँ पे दोस्तों जो आपकी पेमेंट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि श्यामलाल कॉलेज मिसलिनियस अकाउंट, यहाँ पे आपको दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है, IFC कोड दिया गया है, इसके ऊपर आपको पेमेंट कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई फर्दर एडमिशन के डिटेल के जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी दोस्तों इस ईमेल के द्वारा आपको मेल कर दी जाएगी। गाइडलाइंस के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और दोस्तों जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो ईमेल होना चाहिए वो स्पेसिफाई होना चाहिए, कंटिन्यू एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा जो भी कोर्स होगा जर्मन में के लिए यहाँ पर बताया गया है, कॉपी ऑफ क्लास है 12th मार्कशीट की चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। और यहाँ पे आपका जो अगर आप डिप्लोमा कोर्स या एडवांस डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका लास्ट एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है, उसकी कॉपी चाहिए। और स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट जो भी आप पेमेंट करेंगे 50 रुपीज़ की उसका एक फी रिसिप्ट आएगा, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। वहीं अगर आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स या एडवांस डिप्लोमा के लिए करते हैं तो मार्कशीट इसकी चाहिए होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है कि जो एडवांस डिप्लोमा या फॉर एडमिशन के लिए डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा किन किन लैंग्वेजों में कराया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपका होगा या आपके कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 50 रुपये रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। यहाँ पे आपको बताया गया क्या क्या चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है। एडमिशन दोस्तों जो सबसे पहले कराएगा उसी का सबसे पहले एडमिशन होगा, इस पहली लाइन में कहा गया है। और यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स जो है फॉरेन लैंग्वेज में ही कराए जाएंगे। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10+2 मांगा गया, और आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज होते हैं वो 45% यहाँ पे मांगा गया है 12th क्लास में। वहीं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फॉर डिप्लोमा इन जर्मन इन स्पेनिश अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर दोस्तों आप डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स किया होना जरूरी है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट कोर्स किया है या एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया है तो इसके लिए दोस्तों आपका मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना सर्टिफिकेट कोर्स या एडवांस डिप्लोमा कोर्स या डिप्लोमा कोर्स किसी अनदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करवाया तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा दोस्तों वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। जो एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस रहेगी दोस्तों 500 रुपये यहाँ पे रखी गई है, और 1000 रुपये दोस्तों तब कैंसिल किया जाएगा जब आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो 1000 रुपये आपसे ले लिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो नंबर स्टूडेंट है वो 20 होना चाहिए एक कोर्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे बताया गया एक बैच में स्टॉक मार्केट में और शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए यहाँ पे जो मिनिमम स्टूडेंट बताए गए हैं नंबर स्टूडेंट 30 स्टूडेंट होने जरूरी हैं। वहीं अगर एक कोर्स के या एक बैच की बात की जाए तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर होने चाहिए वो 50 स्टूडेंट होने चाहिए। सातवें पॉइंट में आपसे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि आपके जो शॉर्ट टर्म कोर्स की फीस रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी। आठवें पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो है एक से ज़्यादा शॉर्ट टर्म कोर्सों में एनरोलमेंट करा सकता है। यहाँ पे 9वीं क्लास में आपसे कहा गया है कि आपकी जो क्लासेस रहेंगी दोस्तों फिजिकल मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे श्यामलाल कॉलेज में। और यहाँ पे जो भी आपका अपडेट रहेगा चाहे वो रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक रहेगा वो आपके वेबसाइट पे श्यामलाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड या वेबसाइट नोटिस जो भी होता है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एड ऑन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपकी जो क्लासेस हैं कब वीक में कब तक लगेंगे ये बताया गया है। जर्मन स्पेनिश ही आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज को ले लेते हैं कि डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज में आपका जो डे रहेगा कि एक वीक में कितने दिन आपकी क्लासेस चलेंगे, तो आपकी जो एक दिन में जो एक क्लासेस रहेंगी वो 2 घंटे की रहेंगी और वीक में दोस्तों आपकी 3 दिन चलेंगी। और यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स या जो फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट दिया गया वहीं पर आपकी क्लासेस चलेंगी। एडवांस डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे दोस्तों आपके 2 घंटे की क्लासेस रहेगी और वीक में 3 दिन चलेंगी। यहाँ पे दोस्तों मास्टरिंग एंड स्टॉक मार्केट के लिए आपकी जो क्लासेस हैं 3 दिन चलेंगी एक वीक में। और यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। IT कोर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी जो क्लासेस हैं एक वीक में 3 दिन चलेंगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके श्यामलाल कॉलेज के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, स्टॉक मार्केटिंग कोर्स हो गया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आता रहे। Thank you.